सरकार के मुलाज़मीन कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं, जो माहाना रिपोर्ट होती है वो भी सरकार अब लेती है। एक ताज़ा ऑर्डर आया सरकार की तरफ से और 990 सरकारी मुलाज़मीन की लगभग छुट्टी होना तय है, क्योंकि इनको अपनी पोजीशन जो है वो वाजे करनी है, पोजीशन अपनी जो है वो बतानी है। दे नीड टू एक्सप्लेन नाउ ऑन व्हाट बेसिस दे आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वेदर इट इज़ हेल्थ डिपार्टमेंट और इन फाइनेंस डिपार्टमेंट और इन रेवेन्यू। 990 सरकारी मुलाज़मीन, ऑर्डर क्या है? 3-4 महीने पहले आपको याद होगा कि जेके एचआरएमएस, जम्मू कश्मीर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वो पोर्टल जिस पर माहाना रिपोर्ट मुलाजमीन की जाती है और उस बेस पर फिर सैलरी उनकी आती है, ये बहुत सारे मुलाजमीन को पता भी नहीं होगा, जो अवेयर हैं वो जानते हैं। इसी पोर्टल पर कहा गया था तमाम सरकारी मुलाजमीन, किसी एक डिपार्टमेंट के नहीं, सारे डिपार्टमेंट के मुलाजमीन, उनको कहा गया था बताइए कि आप जब नौकरी आपकी लगी थी, जब आप जम्मू कश्मीर के अंदर किसी डिपार्टमेंट में अपॉइंट हुए थे तो उस वक्त सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर आपका एक ऑर्डर होगा जिसको अपॉइंटमेंट ऑर्डर कहते हैं, यानी इनिशियल अपॉइंटमेंट लेटर, सबसे पहला अपॉइंटमेंट का जो आपका लेटर था, कहां पर आप लगे थे, आपका ओहदा क्या था, आपकी डेजिग्नेशन क्या थी, वो बताइएगा। तो उस पर जवाब तलब किया गया था, तमाम एम्प्लॉयज को कहा गया था कि वो इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो है, तकर्री जब आपकी हुई थी किसी डिपार्टमेंट में, बताइएगा कहां पर आप लगे थे, किस बेस पे लगे थे, तो वो दीजिएगा। हुआ क्या है कि ये वो सब 990 मुलाजमीन हैं सभी डिपार्टमेंट्स के, मैं थोड़े मोटे मोटे तौर पर बताऊंगा, ज्यादा अगर गहराई से पढ़ने लगे, इस गहराई से देखिए नाम पढ़े ही नहीं जा रही है, नजदीक रख के भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्प्लॉयज जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं कितनी बड़ी तादाद है, या तो सरकारी महकमे को लूटते रहे, खजाने को नुकसान पहुंचाते रहे, या लोगों को धोखा देते रहे, और अगर ऐसे काम होता है तो फिर ये काबिले कबूल नहीं है। माफी के साथ मैं चाहूंगा ये बात मैं कह रहा हूं। ये 990 मुलाजमीन जानते हैं कौन है, ये रडार पर हैं, इनका मामला हाई पावर कमेटी को भेज दिया गया है, अगर इनके कागजात या दस्तावेजात अब भी ये पूरे करने में नाकाम रहे तो फिर इनकी छुट्टी होना तय है, फिर ये अदालतों के चक्कर लगाएं, फिर ये हाई पावर कमेटी के सामने गिड़गिड़ाएं, दरख्वास्त करते रहें, कुछ नहीं कर सकेंगे। टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एमटीएस हैं, जीएनएम्स हैं, इसमें एफएम पीएचडब्ल्यूज हैं, क्लर्क्स हैं, या फिर आपको तमाम सेक्शन ऑफिसर्स हों, छोटे मोटे लोग हों, या फिर आप फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज कह सकते हैं, चपरासी है, ऑर्डरली जो लगे थे वो लोग भी इसमें हैं। इन तमाम लोगों के पास इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हैं ही नहीं, कहीं मौजूद ही नहीं, डिपार्टमेंट से मांगे गए वहां नहीं, इन लोगों से पूछे गए वहां है ही नहीं, तो जेके एचआरएमएस पर इनकी डिटेल्स खाली आए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हंसेंगे आप, लेकिन बदकिस्मती क्या है कि हमारे माजी में हुकूमतें, बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर गवर्नर रूल भी रहा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी गवर्नमेंट में रही, इन तमाम लोगों का ये किया कराया जो आज हम भुगत रहे हैं। एक नाम है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखिएगा आप हंसेंगे इस पे। एक शख्स है, ये चपरासी लगता है, 1985 में मई की 5 तारीख थी, 24 मई का महीना था, 24 तारीख थी, 24th of May 1985, 1985 में चपरासी लगता है। आज क्या ये काम कर रहा है? सेक्शन ऑफिसर के तौर पर काम कर रहा है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में, 1985 में लगा, लेकिन कहां से कहां पहुंच गया, किस बेस पर, जब इसे ओरिजिनल ऑर्डर मांगा गया तो पता ही नहीं चला। इसी तरीके से एक शख्स है जो अभी हॉस्टल कुक है, काम तो कर रहा है, जिसकी ये अपॉइंटमेंट है, लेकिन जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स है इनिशियल, सबसे पहले जहां लगा था वो है ही नहीं। एक ड्राइवर साहब है, जूनियर असिस्टेंट है, मल्टीटास्किंग स्टाफर कहलाता है वो है, लेकिन ऑर्डर्स दस्तयाब नहीं है। गिरदावर है, पटवारी है, असिस्टेंट लाइनमैन है, खलासी है, चपरासी हैं, एमपीडब्ल्यूज हैं, चौफर हैं, नाइट वॉचमैन हैं, सोशल वर्कर हैं, गार्डनर हैं, कुली हैं, क्लीनर हैं, चौकीदार हैं, इन लोगों के कहीं ऑर्डर्स ही नहीं। अब आप देखिएगा 1985 में अगर एक शख्स चपरासी लगता है, वो किस बेस पे लगा था? क्योंकि उसकी तालीम कम थी या अहलियत नहीं थी कि वो उससे बड़ी पोस्ट पर जा सकता, किरदार नहीं हम कहेंगे, लेकिन जो उसकी तालीमी आप कह सकते हैं कि एक कमजोरी भी रही, तो तालीम उसने अगर 5वीं 6ठी या 7वीं पास की थी, उस वक्त उसको चपरासी लगा दिया, आज वो सेक्शन ऑफिसर है एक बड़े इदारे के अंदर, और ये तमाम लोग, जो कुछ लोग चपरासी लगे थे कुछ, अगर ये सरकारी डिपार्टमेंट में कोई अगर
मान लीजिए कोई क्लर्क लगा था, आज वो लोगों का इलाज, मैं और भी बताऊंगा, मैंने एक टेक्निकल देखा इस लिस्ट में, ओरिजिनल इनके जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स थे वो हैं ही नहीं। हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन एक है, ये बाद में जाकर डिपार्टमेंट का हेड बन गया, इंचार्ज बन गया। गार्डनर कम ऑपरेटर एक शख्स है, चीफ इंस्पेक्टर एक है, एक वॉचमैन है, ये भी इलाज लोगों का अस्पताल में करने लगा। एक टीचर है, वो कैसे लाइब्रेरी असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगा, और जो लाइब्रेरी असिस्टेंट था वो कैसे लेक्चरर बन गया। रहबरी तालीम REET का, REET का एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक है, वो जाकर कैसे, एक एडहॉक टीचर है, उसका भी कहीं है नहीं। मतलब ये सारी वो अपॉइंटमेंट्स हैं जो खामियां रही हैं लीडर्स की। अब अगर लोग पूछेंगे किस किस डिपार्टमेंट के हैं, तो मैं नाम तो 990 तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं बताऊंगा कि सरकार की वेबसाइट पे जाइए, वहां आपके नाम अवेलेबल हैं। जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं वो आप देखिएगा, जिस जिस की गलतियां हैं आप उसको भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, टेक्निकल एजुकेशन, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग PHE जिसको आप कहते हैं, या जिसको आप जल शक्ति महकमा कहते हैं, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट जो सरकार के अंदर बड़ी जिम्मेदारी होती है, महकमा दाखिला, होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग जिसको आप कहते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से महकमा सेहत में काम कर रहे लोग हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है, मुझे आधे लोगों के नाम ही नहीं समझ में आ रहे हैं। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा मैं और भी आपको बता देता हूँ और कौन सा डिपार्टमेंट है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट तकरीबन 200-250 नाम है, या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं जो अभी मैं मोटे तौर पर देख पाया हूँ। GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, महकमा मोरे सारिफिन व अवामी तकसीम कार्य जिसको आप कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ डिपार्टमेंट, और ये सारे 990 लोग हैं। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज से इनकी डिटेल्स मांगी गई हैं। हाई पावर कमेटी को अंडर सेक्रेटरी हैं सरकार की रूपाली अरोड़ा, की GKS ऑफिसर हैं, उन्होंने सिग्नेचर करके भेज दिया है। तो अब इन लोगों की या छुट्टी होगी या मुश्किलात होंगी, इनको कम से कम जो है वो अपना सारी डिटेल्स, आपको याद होगा कि पिछला ऑर्डर 17/7/2023 को निकला था, जुलाई 17 को, उस वक्त कंसिडरेशन के लिए जो ऑर्डर निकला था, और कहा गया कि जो ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी या उस वक्त जो उनके ऑर्डर्स थे वो JKHRMS पर अगर नहीं है तो फौरी तौर पर सरकारी ऑर्डर के मुताबिक कंसिडरेशन के लिए कमेटी को भेजा जाए। आर्काइव्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट गैजेट, इसके अलावा इनिशियल अपॉइंटमेंट, पे एक्विटेंस, रोल, अलाइड रिकॉर्ड, रेफरेंस ऑफ अपॉइंटमेंट, DPC मिनट्स, परमानेंट, इनमें से कितने लोग हैं जो परमानेंट हो गए, जो आर्जी बुनियादों पर लगे थे, इनको तनख्वाह कैसे दी गई, रिकॉर्ड क्या है, वो सारा मांगा है। तो 990 मुलाजमीन जिनकी वेरिफिकेशन है सर्विस रिकॉर्ड की वो हो रही है, और इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जिनके मौजूद नहीं हैं, दस्तयाब नहीं हैं, उन लोगों की 990 लोगों के नाम या जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए।